नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, यहां पर कई लोगों का सवाल था कि जो दिल्ली में 7 दिसंबर 2019 को आंदोलन होना है तो दिल्ली में कहां पर पहुंचना है, किस स्टेशन पर उतरना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें सवाल थे। तो इसको लेकर यहाँ पर जो है EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की तरफ से एक बैनर जारी कर दिया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो इस बैनर में जो है 7 दिसंबर 2019 को जो सुबह 10 बजे से आंदोलन होना है उसका जो है स्थान के बारे में बता दिया गया है। आंदोलन क्यों किया जा रहा है उसके बारे में भी यहाँ पर जो है 8-10 पॉइंट इंक्लूड किए गए हैं। साथ ही इनकी जो प्रमुख मांगे हैं उनको जो है इंक्लूड किया गया है और आगामी आंदोलन जो होने हैं उनको भी जो है यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो इस बैनर में जो प्रमुख बातें यहाँ पर लिखी है उसको लेकर जो है आज का हमारा ये वीडियो है। तो ये बैनर जो है आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, साथ ही बैनर की कापी जो है आप एम्प्लॉई खबर के फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट से पा सकते हैं। तो चलिए बैनर में जान लेते हैं क्या क्या प्रमुख बातें यहाँ पर लिखी गई है। सभी EPS 95 पेंशन धारकों को इस बैनर की कॉपी जो है पहुँचना चाहिए। आप जो है बैनर की कॉपी शेयर करें या ये वीडियो शेयर करें ये जो है आप पे ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति NSC की तरफ से जो है यह बैनर दिया गया है। साथ में यहाँ पर जो है कमांडर अशोक राउत जी जो कि अध्यक्ष हैं उनकी फ़ोटो भी लगाई गई है। तो रास्ता रोको आंदोलन, लाखों EPS 95 पेंशन धारकों का दिल्ली में रास्ता रोको आंदोलन को लेकर यहाँ पर जो है बैनर दिया गया है। 7 दिसंबर 2019 को सुबह 10 बजे से जो है यह कार्यक्रम होना है। स्थान दिया गया है रामलीला मैदान, नई दिल्ली। रामलीला मैदान में जो है यहाँ पर जो है सब लोगों को जो है इकट्ठा होना है। इसके बाद में यहाँ पर जो है आगे की जो भी प्रतिक्रिया EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की तरफ से आएगी वो जो है आपको यहाँ पर एम्प्लॉई खबर यूट्यूब चैनल पर हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पर आंदोलन क्यों किया जा रहा है, इन बातों को जो है यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पर जान लेते हैं कि आंदोलन क्यों किया जा रहा है, इसके ऊपर क्या क्या बातें यहाँ पर की गई है। तो प्रमुख पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं कि EPS 95 योजना के अंतर्गत पेंशन धारकों द्वारा प्रति माह 417, 541 व 1250 रुपये तक जो है अलग अलग ज्वाइनिंग के हिसाब से कर्मचारियों के यहाँ पर कटौती होती है। कर्मचारी यहाँ पर 30 से 35 साल तक जो है अपना अंशदान जमा करते हैं, इसके बावजूद उनको जो है 200 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक ही पेंशन मिल रही है। जमा की हुई राशि पर कोई ब्याज नहीं व पूंजी की वापसी भी 2008 से यहाँ पर जो है बंद कर दी गई है। पेंशन के फार्मूले में EPS 95 से पहले की सेवा की गणना नहीं है। यहाँ पर जो है पहले की सेवा जो कर्मचारी EPS 1995 के पहले यहाँ पर जो है लगे हुए हैं, जिन्हें जो है EPS 95 में उन कर्मचारियों को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, तो उनकी जो है गणना किस तरह से करनी है ऐसा कोई फार्मूला यहाँ पर जो है परफेक्ट नहीं दिया गया है। साथ ही 1000 की मिनिमम पेंशन की घोषणा के बाद भी अलग अलग नियमों के बहाने से 28 लाख पेंशन धारक जो है मिनिमम पेंशन से भी यहां पर वंचित है। दिनांक 1/9/2014 से वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन देने का प्रावधान रद्द कर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार भी पेंशन धारक को योजन यहाँ पर पेंशन से जो है वंचित रखा जा रहा है। दिनांक 1/9/2014 से पेंशन फार्मूला में 12 महीने की जगह 60 महीने का औसतन वेतन पेंशन की राशि को जो है कम कर दिया गया है। पहले यहाँ पर पेंशन के कैलकुलेशन में 12 महीने का जो है यहाँ पर कैलकुलेशन होता था, लेकिन उसे जो है अब 60 महीने के पिछले 60 महीने के औसतन वेतन के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। एक्सपर्ट कम्युनिटी व होशियारी कमेटी की सिफारिशों के बावजूद भी टाइम पास के लिए एक और हाई इम्पोर्टेंट मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है। 3 महीने की जगह इस कमेटी ने 1 साल गवाया और केवल 2000 पेंशन की सिफारिश करने के साथ ही उच्च पेंशन की सुविधा की सिफारिश नहीं की है। तहसील स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सैकड़ों आंदोलन करने के बाद NSE के राष्ट्रीय मुख्यालय बुलढाणा महाराष्ट्र में दिनांक 24/12/2018 से लगातार क्रमिक अनशन के बाद भी व माननीय केंद्रीय श्रम मंत्री द्वारा कई बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। तो इन सभी कारणों के लिए यहां पर जो है कर्मचारियों को मजबूरन होकर यहां पर दिल्ली में रास्ता रोको आंदोलन का यहां पर कार्यक्रम रखना पड़ रहा है और ये कार्यक्रम बूढ़े EPS 95 पेंशन धारकों के द्वारा किया जाना है। सभी प्रमुख मांगे को लेकर यहाँ पर इस बैनर में बताया गया है कि EPFO द्वारा जारी किया गया 31 मई 2017 का जो अंतरिम प्रपत्र है उसे जो है रद्द कर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उच्चतम पेंशन की सुविधा दी जाए, 7500 रुपये बेसिक पेंशन तथा उस पर महंगाई भत्ता दिया जाए। सभी EPS 95 पेंशनरों को
तथा उनके पति पत्नी को मुफ्त वैद्यक चिकित्सा सुविधा दी जाए। ईपीएस 95 पेंशन योजना से वंचित सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सदस्य बनाकर 5,000 रुपये की राशि पेंशन के तौर पर यहां पर दी जाए, ये जो है यहां पर प्रमुख मांगे ईपीएस 95 पेंशन धारकों और एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की तरफ से इस बैनर में की गई है। हमारे अगले आंदोलन के रूप में यहाँ पर बताया गया है कि 1 से 10 नवंबर 2019 तक ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक विविध आंदोलन, जिसमें ग्राम के जो है पटवारी, तहसीलदार से लेकर विविध स्तरों व प्रधानमंत्री जी के निवेदन सादर करना शामिल किया गया है। दिनांक 4 से 6 दिसंबर 2019 तक दिल्ली में दिल्ली के उत्तरी क्षेत्रों के पेंशन धारकों द्वारा विविध आंदोलन होने हैं। दिनांक 7 दिसंबर 2019 को देश भर के लाखों पेंशनर्स द्वारा दिल्ली में रास्ता रोको आंदोलन किया जाना है। आगे यहाँ पर समिति की तरफ से लिखा गया है कि आइए इस ऐतिहासिक आंदोलन में लाखों की संख्या में सहभागी होकर आंदोलन को सफल बनाकर अपना हक प्राप्त करें। ईपीएस 95 पेंशनर्स के पेंशनरों के हित में काम करने वाले संगठन, एसोसिएशन, फाउंडेशन, संस्थाओं से निवेदन है कि राजनीति से दूर इस आंदोलन का हिस्सा बने तथा वृद्ध पेंशनरों को नया न्याय दिलाने के सहभागी करें। हमारी एकता ही हमारी शक्ति है, कमांडर अशोक रावत जी। तो दोस्तों यहाँ पर इस जो भी यहाँ पर जो बैनर ईपीएस राष्ट्रपाई ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की तरफ से दिया गया है, इसमें जो है आपको क्लियर हो गया होगा कि जो है यह 7 दिसंबर 2019 को सुबह 10 बजे से दिल्ली में कार्यक्रम होना है, रामलीला मैदान में जो है सबको इकट्ठा होना है। आगे की कार्यवाही जो कुछ होगी यहाँ पर जो नया अपडेट आएगा वो आपको यहाँ पर निश्चित ही मिल जाएगा। जो जो यहाँ पर समस्याएँ पेंशन धारकों की है वो प्रमुख समस्याएँ यहाँ पर बताई है, आपकी कोई समस्या है तो वो भी जो है आप बता सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो है मुख्य प्रमुख जो भी यहाँ पर जो प्रमुख मांगे हैं उनको भी यहाँ पर जो है इंक्लूड किया गया है और आगे के आंदोलनों के बारे में भी यहाँ पर जो है रूपरेखा बता दी गई है। तो इस तरह से यहाँ पर दिल्ली में 7 दिसंबर 2019 को बड़ा आंदोलन होना है और इस बैनर की कापी आप जो है एम्प्लॉय खबर के ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट से पा सकते हैं। साथ ही इस बैनर के जो है अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर कीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को भी जो है अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि जो है सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों तक यहां पर जो है इस सूचना के बारे में पता चले और अधिक से अधिक लोग जो है यहां पर शामिल हो, क्योंकि इसके अलावा जो है यहां पर कोई दूसरा रास्ता ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पास फिलहाल नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी नए अपडेट, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।